السلام عليكم ورحمة الله. सामने शहीदों की लाशें, पड़ोस में बड़ा सा कब्रिस्तान, ऊपर से अमेरिका का इजराइल के जरिए गिर रहा बारूद, चारों तरफ खंडहर में तब्दील इमारतें, आंसुओं से भरी आंखें, दिलों में पहाड़ों जैसा दर्द, आसमानों की तरफ मदद के इंतजार में नजरें, ऊपर से बरसती अल्लाह की रहमत में भीगते हुए अदा की गई ईद उल फित्र की नमाज। जहां आज पूरे मिडिल ईस्ट में ईद उल फित्र मनाई जा रही है, वहीं फिलिस्तीन में भी ईद मनाई गई। हजारों शहीदों का दर्द, 20,000 से ज्यादा बच्चों के बिछड़ने का दर्द, अपने सरों से बुजुर्गों का साया उठने का दर्द, हम सफर के साथ खुशियां बांटने की महरूमी का दर्द, आसमान से बरसती रहमत में भीगते हुए सारे दर्द को समेटते हुए फिलिस्तीनियों ने आज ईद की वाजिब नमाज अदा की। एक दौर था जब फिलिस्तीन में भी ईद की खुशियां खुशहाली से मनाई जाती थीं। बच्चों की चहल पहल, बुजुर्गों की तमीजी, बड़ों की इज्जत और छोटों पर शफक्कत के साथ फिलिस्तीन में ईद हुआ करती थी। जल्द ही फिर वही दौर लौट कर आएगा और सारी खुशियां वापस आएंगी। SD24 न्यूज को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते रहते हैं। इस बार आपकी अमानत फिलिस्तीन पहुंचेगी। ये थी आज की रिपोर्ट। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल जानकारी और खुलासों के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।